फ्रेंड्स, तो आज हमें कलीना में जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट नर्सरी मुंबई में की, यहाँ पे वन बाय वन बहुत सारी प्लांट नर्सरीज अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिलती है प्लांट्स की। अगर ऐसा कोई प्लांट है जो कि आपने इमेजिन किया है कि ये मुझे बाय करना है, बट आपको वो बाहर के नर्सरीज में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको वो प्लांट डेफिनेटली मिल जाएगा। और इनके यहाँ के प्लांट के प्राइस भी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर नर्सरीज इन मुंबई। उसके वजह से हम यहाँ के एक नर्सरी को विजिट करेंगे और देखेंगे कि उनके यहाँ के प्लांट के क्या प्राइजेस हैं। उसके वजह से आप कंपेयर भी कर पाओगे अदर नर्सरी से उनको। आज हम इस नर्सरी को विजिट करने वाले हैं जिसका नाम है राज नर्सरी। ये उसके ओनर है जिसका नाम है राजकुमार सिंह। तो चलिए देखते हैं कौन से प्लांट्स इनके पास में और उनके क्या प्राइजेस है। फ्लावरिंग प्लांट मिल जाते हैं जस्ट फ्रॉम 20 रुपीज। कैक्टस एंड सकुलेंट के प्लांट मिल जाएंगे जस्ट फ्रॉम 80 रुपीज। हैंगिंग बास्केट 40 रुपीज। तो प्लास्टिक के पॉट 20 रुपीज से मिल जाते हैं। इंडोर प्लांट का प्राइस स्टार्ट होता है 60 रुपीज से। उसी के साथ में इनके पास में बड़े साइज के जो प्लांट्स है वो भी अवेलेबल है। सिरेमिक के पॉट्स भी इनके पास में। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोज। चलिए तो देखते हैं कौन से प्लांट्स है इनके पास में और उनके क्या प्राइजेस है। ये वाला जो प्लांट है ये रोज का प्लांट है जो कि आप बाय कर सकते हो जस्ट फ्रॉम 50 रुपीज। रोज प्लांट की कोई भी वेराइटीज यहाँ से आप ले लीजिए, आपको मिल जाएगा जस्ट इन 50 रुपीज। रोज के जो प्लांट्स होते हैं वो एक आउटडोर प्लांट है, इनको जितना ज्यादा धूप मिलेगा उतना ही ज्यादा फ्लावरिंग होगा। तो आपके घर में जब भी आप रोज के प्लांट्स बाय करते हो तो ऐसे प्लेस पे रखिए जहाँ पे उसको ज्यादा से ज्यादा लाइट मिले, जितना ज्यादा लाइट मिलेगा उतना ही ज्यादा फ्लावरिंग होगा। ये मोगरे का प्लांट है जो कि एक आउटडोर प्लांट है, आपको मिल जाता है 50 रुपीज में। ये एक फ्रेग्रेंस फ्लावरिंग प्लांट है। ये लालटेना प्लांट की वैरायटी है, छोटी वाली 20 रुपीज में, बड़ी वाली 50 रुपीज में। ये एक आउटडोर प्लांट के साथ साथ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये टगर प्लांट की वैरायटी है, आपको मिल जाती है 20 रुपीज में। छोटा प्लांट बड़ा प्लांट मिलेगा 50 रुपीज में। मिनिएचर वैरायटी के साथ साथ ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये वाला जो प्लांट है ये रघुन क्रीपर का प्लांट है जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 50 रुपीज में। ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसे सनलाइट मिले। ये वाला जो प्लांट है ये जास्मिन का प्लांट है जो कि एक फ्रेग्रेंस फ्लावरिंग प्लांट है, आपको मिल जाता है 50 रुपीज में, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो प्लांट है पैशन फ्लावर का प्लांट है, कृष्ण कमल भी बोलते हैं इसे। ये एक मिल जाता है आपको 150 रुपीज में, पॉट के साथ में मिल रहा है आपको। और ये वाला जो प्लांट है ये चंपा का प्लांट है जो कि एक ड्वार्फ वेराइटी, आपको मिल जाती है 250 रुपीज में। सिंपल वाली वेराइटीज अगर लोगे तो आपको बहुत ही कम रेट में इनके पास में मिल जाती है। अभी जैसे कि रेनी सीजन आ रहा है तो रेनी सीजन में ग्रो करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट यानी अल्मेंडा के प्लांट, इसमें दो वेराइटीज आती है, नॉर्मल वाली और क्रीपर वाली। दोनों ही वेराइटीज इनके पास में अवेलेबल है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। कोई भी प्लांट अगर इनके यहाँ का बाय करते हो अल्मेंडा का तो आपको मिल जाता है 50 रुपीज में। ये वाला जो प्लांट है कनेर का प्लांट है, आपको मिल रहा है बड़ा सा प्लांट जस्ट इन 60 रुपीज। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, आउटडोर प्लांट है। जितना ज़्यादा लाइट मिलेगा उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगा। इसमें भी और अदर वेराइटीज़ है कनेर की, जैसे कि ये वाली, ये भी आपको सेम रेट में मिल जाती है इनके पास। ये वाला जो प्लांट है ये जस्टोपा का प्लांट है, आपको मिल जाता है जस्ट इन 60 रुपीज। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, उसी के साथ में एक आउटडोर प्लांट है। ये वाला जो प्लांट है बोगनविला का प्लांट है जो कि एक आउटडोर प्लांट है, उसी के साथ में एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये जो प्लांट है इनके पास में मिल जाता है 50 रुपीज से। इनके पास में जो छोटे प्लांट्स है बोगनविला के आपको मिल जाएगा 50 रुपीज में, और बड़े से बड़े साइज में भी प्लांट्स इनके पास में अवेलेबल है। रेनी सीजन में ग्रो करने के लिए प्लांट भी है इनके पास में जो कि एक प्लांट आप बाय कर सकते हो 30 रुपीज में। ये डेजी के प्लांट है, इसमें भी डिफरेंट कलर्स है इनके पास में, जैसे कि ये पिंक कलर में। एक्जोरा के प्लांट्स इनके पास में अवेलेबल है, स्मॉल साइज में 20 रुपीज, मीडियम साइज में 50 रुपीज, बिग साइज में आपको मिल जाते हैं 80 रुपीज में। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज है, मिनिएचर वेराइटी, नॉर्मल वेराइटीज भी इनके पास में अवेलेबल है। ये वाला जो प्लांट है मधुकामिनी का प्लांट है जो कि एक मिनिएचर वेराइटी, आपको प्लांट मिल जाता है 150 रुपीज में। ये एक फ्रेग्रेंस फ्लावरिंग प्लांट है, छोटा ही रहता है प्लांट और फ्लावरिंग बहुत सारा होता है इसको। ये वाला जो प्लांट है सदाफुली का प्लांट है। मुंबई वाले लोगों को बता दूं कि उनके पास में अगर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं चल रहा है, फ्लावर्स नहीं दे रहा है, तो ये वाला प्लांट लेके जाइए, डेफिनेटली आपको फ्लावर्स देगा। ये वाला जो प्लांट है अबुली का प्लांट है जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 50 रुपीज में। ये एक आउटडोर प्लांट होने के साथ साथ एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी है। इनके पास में कैक्टस प्लांट की भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज है, जैसे कि ये कलरफुल वाले जो कैक्टस है ये मिल जाएगा आपको 200 रुपीज में। इसमें भी डिफरेंट कलर्स है, जो कलर आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। कैक्टस प्लांट को आपको ज़्यादा दिन तक जिंदा रखना है तो क्ले वाले पॉट में उनको रखिए, तो आपके प्लांट कभी भी नहीं मरेगा।
और ये वाले जो प्लांट है सकुलेंट के प्लांट है, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 80 रुपीज़ में। ये वाले जो वेराइटीज़ है सकुलेंट प्लांट की, ये मिल जाती है आपको 80 रुपीज़ से। इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ है इनके पास में। सकुलेंट प्लांट को अगर आपको ज़्यादा दिन तक जिंदा रखना है तो दो ही चीज़ें कीजिए, इसको क्ले पॉट में लगाइए, उसी के साथ में इसको जो वाटरिंग करते हो वो स्प्रे बॉटल से कीजिए। ये वाले जो प्लांट्स है, ये सकुलेंट के प्लांट आपको मिल जाएंगे 130 रुपीज़ में। इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट वेराइटीज़ है, उसी के साथ में थोड़े से हाई क्वालिटी के सकुलेंट्स है। ये लक्ष्मी कमल सकुलेंट है जो कि आपको मिल जाता है 200 रुपीज़ में। एक ही पॉट में बहुत सारे प्लांट्स है इसमें। सिरेमिक पॉट का भी इनके पास में कलेक्शन है जिसका प्राइस स्टार्ट होता है जस्ट फ्रॉम 50 रुपीज़। सिरेमिक पॉट में भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज है इनके पास में, जो भी आपको पसंद आती है आप वो बाय कर सकते हो। सिरेमिक में अगर कोई डिफरेंट वेराइटीज आपको चाहिए तो आप उनको व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए तो आपको मिल जाएंगे। हैंगिंग प्लांट्स लगाने के लिए हैंगिंग बास्केट भी इनके पास में, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है जस्ट फ्रॉम 40 रुपीज़। इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज है इनके पास में और डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाते हैं। प्लास्टिक के पॉट्स भी इनके पास में, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है जस्ट फ्रॉम 20 रुपीज़। प्लास्टिक पॉट के भी बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इनके पास में, जो भी आपको पसंद आती है आप वो बाय कर सकते हो। हल्की क्वालिटी आपको कम प्राइस में मिलेगी, अगर अच्छी क्वालिटी रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करना। हैंगिंग पॉट के साथ में आपको प्लांट्स भी मिल जाते हैं जिनका प्राइस स्टार्ट होता है 150 रुपीज़ से। ये वाले जो प्लांट्स है वो मनी प्लांट है, जिसको आप इंडोर भी रख सकते हो, हैंग कर सकते हो। हैंगिंग प्लांट में अगर आप इंडोर प्लांट्स लगाते हो तो आप इसको घर के अंदर भी हैंग कर सकते हो और बहुत ही प्यारा सा दिखते हैं ये दिखने में। इंडोर प्लांट का कलेक्शन देखते हैं। ये वाला जो प्लांट है स्नेक प्लांट है, जो कि एक 24/7 ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है, आपको मिल जाता है 200 रुपीज़ में। और ये वाला जो प्लांट है जेजे के प्लांट है, वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट, आपको सेम रेट में मिल जाता है 200 रुपीज़ में। ये कैलेथिया प्लांट की वैरायटी है, जो कि एक प्लांट आपको मिलता है 250 रुपीज़ में। इसके जो लीफ होते हैं उसके कलर दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं। और ये वाला जो प्लांट है एग्लोनिमा प्लांट की वैरायटी है, ये भी आपको सेम रेट में यानी 200 रुपीज़ में मिल जाता है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा इंडोर प्लांट है। ये वाला जो प्लांट है फिलेडेंड्रॉन प्लांट की वैरायटी है, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 200 रुपीज़ में। दिखने में बहुत ही प्यारा दिखता है, उसी के साथ में हार्डी प्लांट है। ये मॉन्स्टेरा प्लांट की वैरायटी है, जिनको भी बड़े साइज के इंडोर प्लांट पसंद है उनके लिए ये बेस्ट प्लांट है, आपको मिल जाता है 500 रुपीज़ में। ये वाला जो प्लांट है स्नेक प्लांट की अनदर वैरायटी, आपको मिल जाता है 100 रुपीज़ में। बहुत ही अच्छी सी डील है, ये पॉट के साथ में मिल रहा है आपको। ये जो प्लांट है इसको 10 दिन तक पानी नहीं डालोगे तो भी कुछ नहीं होता ये प्लांट को। और ये जो प्लांट है पीस लिली का प्लांट है, ऐसा इंडोर प्लांट जो कि आपको फ्लावर्स भी देता है, आपको मिलता है जस्ट इन 150 रुपीज़, वो भी पॉट के साथ। ये वाला जो प्लांट है अर्लिया प्लांट की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है, जो कि एक प्लांट आपको मिलता है 60 रुपीज़ में, वो भी पॉट के साथ। इसको आप कम्प्लीटली इंडोर भी रख सकते हो। ये जो प्लांट है ये वेरीगेटेड वैरायटी होने के साथ साथ ये एक मिनीचर वैरायटी भी है। ये जो प्लांट है सिल्वर प्लांट है, इसके जो पत्ते होते हैं वो दिखने में सिल्वर होते हैं, इसके वजह से इसको सिल्वर प्लांट कहते हैं। बड़ा वाला आपको मिलेगा 50 रुपीज़ में, छोटा वाला प्लांट आपको मिल जाता है जस्ट इन 20 रुपीज़। ये जेड प्लांट की वैरायटी है, जो कि छोटा वाला प्लांट आपको मिलता है 20 रुपीज़ में, बड़ा वाला प्लांट आपको मिलता है 50 रुपीज़ में। सिरेमिक पॉट के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा दिखता है, इसके वजह से गिफ्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं। ये वाला जो प्लांट है ये कोलिस प्लांट की वैरायटी है, जो कि एक प्लांट आपको मिलता है 50 रुपीज़ में, वो भी पॉट के साथ। ये जो प्लांट है ये सेमी शेड में ग्रो करने वाला प्लांट है, इसके जो लीफ होते हैं इनके कलर दिखने में बहुत ही प्यारे दिखते हैं। ये वाला जो प्लांट है गोल्डन साइप्रस प्लांट की वैरायटी है, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 100 रुपीज़ में। सेमी शेड में ग्रो करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट, सेमी शेड में ग्रो करने वाले प्लांट्स में की बहुत ही फेमस वैरायटी है ये। और ये वाला जो प्लांट है अर्लिया प्लांट की बर्डी वैरायटी है, आपको मिल जाता है 50 रुपीज़ में। ये जो प्लांट है ये भी आप सेमी शेड में ग्रो कर सकते हो। ये क्रोटॉन प्लांट की वैरायटी है, इसे बोलते हैं पेट्रा क्रोटॉन, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 150 रुपीज़ में, वो भी पॉट के साथ। सेमी शेड में ग्रो करने वाली कलरफुल वैरायटी है ये। ये विद्या का प्लांट है, जो कि एक आउटडोर प्लांट है, आपको मिल जाता है जस्ट इन 50 रुपीज़। फाइकस प्लांट की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज है इनके पास में, जैसे कि ये क्रिस्टीना फाइकस, आपको मिल जाता है 60 रुपीज़ में, रेड कलर आते हैं इसमें। फाइकस प्लांट की अनदर वैरायटी आपको सेम रेट में मिल जाती है, जिसके जो पत्ते होते हैं वो दिखने में थोड़े से राउंड शेप में होते हैं। फाइकस प्लांट की अनदर वैरायटी सफारी फाइकस, आपको मिल जाता है 50 रुपीज़ में, वेरीगेटेड वैरायटी है ये। और फाइकस प्लांट की पॉपुलर वैरायटी पांडा फाइकस, ये कॉमन वैरायटी है, आपको मिल जाते हैं 50 रुपीज़ में।
इसको भी आप सेमी शेड में ग्रो कर सकते हो। ये क्रोटॉन प्लांट की वैरायटी है, आपको मिल जाती है 50 रुपीज़ में। ये गोल्डन क्रोटॉन प्लांट की वैरायटी आपको सेम रेट में मिल जाती है। रोजमेरी की प्लांट्स भी इनके पास में, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 150 रुपीज़ में, जो कि आप खाने में भी यूज़ कर सकते हो, उसके साथ में एज ए मेडिसिन भी उसको यूज़ कर सकते हो। ये वाले जो प्लांट है मिंट के प्लांट है, जो कि एक प्लांट आपको मिल जाता है 20 रुपीज़ में, जिसे हम पुदीना भी कहते हैं। ये वाला जो प्लांट है धतूरा का प्लांट है, आपको मिल जाता है 50 रुपीज़ में। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। बड़े साइज में भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इनके पास में, आप डायरेक्टली उनको कॉल करके पूछ सकते हो कि बड़े साइज में कौन सी वैरायटीज़ है। बड़े साइज में कुछ वैरायटीज़ इनके पास में पॉट में भी अवेलेबल है, जिनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। कोई प्लास्टिक बैग में भी बड़े साइज में है, जो कि आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। पाम ट्री की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज है इनके पास में, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 50 रुपीज़ से। ये गोल्डन साइप्रस प्लांट की वैरायटी है, आपको मिल जाती है 250 रुपीज़ में, वो भी पॉट के साथ। और भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज है प्लांट की इनके पास में, अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्टली विजिट करके वहां पे देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको प्लांट पसंद आया और आपको बाय करना है तो इन पे मोबाइल नंबर दिया है राज नर्सरी का, उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप प्लांट वहां से बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी कलिना में की एक नर्सरी, जिसको हमने विजिट किया और देखा कि इनके पास में कौन से प्लांट्स हैं, उनके क्या रेट्स हैं और कौन सी वैरायटीज़ हैं इनके पास में। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि कलिना में बहुत सारी अदर नर्सरीज भी अवेलेबल है, अगर आपको ये नर्सरी पसंद नहीं आई तो आप दूसरे नर्सरी से भी प्लांट्स बाय कर सकते हो। अगर आप मुंबई से हो और प्लांट लवर हो तो आपने डेफिनेटली एक बार कलिना नर्सरी को विजिट करना ही चाहिए, आपको बहुत सारी न्यू वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऊपर में जो सर्कल दिया है उसको क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।